अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन एक नए व्लॉग के साथ। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर करीम प्रीमियर लीग के ओपनिंग सेरेमनी में, और माशाल्लाह से आपके साथ हाजिर होते ही ये चेहरा आ गया, इरफान भाई आ गए। माशाल्लाह से हम आज साथ मुलाकात करने हैं। इरफान भाई, बस जज़ाकअल्लाह, आपने बोल दिया यही काम। पहले मुकाबले में पहली इनिंग का खेल हो चुका है और सिर्फ 94 रन का टारगेट है। क्या चेज होगा या नहीं ये देखना बाकी। कौन जीतेगा, जीतेगा कौन, कौन जीतेगा भाई। बैटिंग को फेवरेट करार दे दिए, 94 रन का टारगेट है। एक तरफ जोएब लेफ्टी और उनका साथ देंगे यहाँ पर असद बाजवा। बॉलिंग का आगाज करेंगे यहाँ पर नबील, 94 रन का टारगेट है। पहला मुकाबला है, फतह किसके नाम रहती है ये देखना बाकी। 94 के दाखों में दो ओवर के इंतजाम है, रन की तादाद हो चुकी है 34 और जोएब लेफ्टी जिन्होंने बड़ी शानदार इनिंग के लिए, और अब पवेलियन लौट चुके हैं। लेकिन अब देखना ये क्या इस सिलसिले को मजीद कंटिन्यू रखने में कामयाब होंगे आसन मारी और आसद बाजवा या नहीं। और सवाल और जवाब का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। पहला दूसरा सवाल यहाँ पर, पहला सवाल है इंग्लैंड की ग्रेम गोच को आई थिंक किसने आउट किया था, ये पहला सवाल था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर जवाब दे सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि मिसबाह उल हक का 2007 के वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ कैच किस फील्डर ने किया था, उसका भी अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साबिर भाई इस टीम के कैप्टन है। साबिर भाई बचाने हैं, बचेगा नहीं बचेगा, साबिर भाई कह रहे हैं भाई बचेगा अभी भी। साबिर भाई एंड कंपनी से बहुत दूर जा चुका है यह मुकाबला, अब लेकिन अभी भी उम्मीद है, अभी भी कह रहे हैं इशफाक भाई नहीं आए। कुरान आप क्राउड देख सकते हैं यहाँ पर, रेत क्राउड की कसीर तादाद ये मुकाबला इंजॉय करती हुई आप देख सकते हैं, और साथ साथ इनाम का भी ऐलान जारी और सारी है। इस मुकाबले के तकरीबन आखिरी लम्हात जारी और सारी हैं। चार रन मजीद चाहिए, इस दौरान एक रन का मजीद इजाफा, मजीद तीन बाकी। हसन मरी कह रहे हैं कि मैं छक्का लगाकर मैच फिनिश करूंगा। 12 बॉल पर 3 ऑफ साइड ऑफ स्टंप, वाइड, दो रन अभी भी बाकी। शॉर्ट गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप, डॉट बॉल, गुड बॉल, अनदर डॉट बॉल। Once again, offside off stump, एक रन का मजीद इजाफा, लेकिन विनिंग शॉट से दूर रहे यहाँ पर हसन मरी। विनिंग शॉट हसन, लेकिन यहाँ पर शॉट लगाने से कासिर, अगर यह ओवर पहले कराया जाता तो बिल्कुल साबिर भाई मुस्कुरा रहे होते, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात नहीं, कह रहे हैं अभी भी चार मैच हैं। एक बार फिर रबील है, डॉट बॉल, बड़ा बेहतरीन ओवर यहाँ पर, सिर्फ दो रन दिए और अभी भी 6 बॉलों पर एक बाकी है। आखिरी विनिंग शॉट, एक बार फिर क्या हसन मरी लगाएंगे या फिर एक्स्ट्रा फजूल खर्ची होगी। वन सेकेंड, इस बार डिफेंसिव अंदाज, बिल्कुल आखिरी बॉल पर मैच का फैसला जाना लेकर जाना चाहते हैं यहाँ पर हसन मरी। 5 बॉल, 1 रन, एक बार फिर डॉट बॉल, ड्रामा बिल्कुल फन माहौल नजर आ रहा है आपको। अगेन शॉट, ग्राउंड शॉट, और इस दौरान इस बाउंड्री के साथ यहां पर फतह बिल्कुल अपने नाम की यहां पर न्यू आबादी स्टार्स की टीम ने, कांग्रेचुलेशन है। और यहां पर ब्लॉग को इख्तिताम पजीर करते हैं, और एक बड़ा बेहतरीन इवेंट है जो इलाका है ये क्रिकेट के लिए, जिसका इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है, और यकीनी तौर पर हाईली अप्रिशिएट करते हैं हम इन्हें। और इस तरह के इवेंट कराची डे बॉल क्रिकेट या पूरे पाकिस्तान में भी इस तरह के इवेंट्स देखे नहीं जाते, लेकिन दिखने चाहिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ये भाई आए हैं भाई, ये देखने के लिए आए हैं, और ये कह रहे हैं कि आपने लाइव बंद कर दिया, मुझे आया ही नहीं करने दिया, आए कर लें भाई। वालेकुम अस्सलाम,